श्रीलंका देश वेस्ट में इंडियन ओशियन और ईस्ट में वे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ एक देश है जो क्षेत्रफल के लिहाज से भी काफी छोटा है, लेकिन ये देश सांस्कृतिक रीति रिवाज और ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से आज भी जाना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले श्रीलंका के इतिहास के बारे में बात की जाए तो प्राचीन श्रीलंका की पहले की राजधानी अनुराधापुरा हुआ करती थी, जो लगभग 1400 वर्षों तक इसी देश की राजधानी थी, और इस वजह से उस समय काल को भी आज तक अनुराधापुरा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसी दौरान ही गौतम बुद्ध के दांतों के अवशेष अनुराधापुरा में पाए गए थे, और इसी दौरान ही श्रीलंका में रहने वाले मूल सिंघला लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था। ये युग तब खत्म हुआ था जब दक्षिण भारत के राजाओं ने इस राज्य पर हमला करना शुरू किया और इस जगह पर कब्जा कर लिया। तब श्रीलंका की राजधानी को अनुराधापुरा से बदलकर पोलो नरुवा में बदल दिया गया। आपको बता दें कि श्रीलंका के अंदर 16वीं शताब्दी में यूरोपीय साम्राज्यों ने एंट्री ली थी, और उसके बाद इस जगह पर व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर चाय, रबर और चीनी मसाले काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पाए जाते थे, इसलिए इन सभी चीजों को बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। हालांकि श्रीलंका के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब 5वीं शताब्दी के बाद पुर्तगाली बिजनेस करने के लिए कोलंबो आए, और उन्होंने यहाँ पर रहने वाले सांगली लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन फिर 1600 के बाद पूरे द्वीप पर डच लोगों का शासन हो गया, और 150 सालों बाद अंग्रेजों ने फिर इस द्वीप को अपने कंट्रोल में ले लिया, और एक बार फिर श्रीलंका गुलाम बन गया। और इस बार अंग्रेज उनके ऊपर शासन कर रहे थे, और आखिरकार 1948 में श्रीलंका देश को अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी मिल गई, और पहली बार श्रीलंका के अंदर सिंगला सरकार का गठन किया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सरकार तमिल लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहती थी, इस वजह से श्रीलंका को आजादी के बाद 1983 से 2009 तक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि साल 1972 में श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था, और 1972 में जब श्रीलंका ने अपना संविधान घोषित किया था तो इसे सिलोन लंका गणराज्य का नाम दिया गया था, और उसके बाद 1978 में इस जगह की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए इस जगह के आगे श्री लगाया गया, और इस तरह से इस जगह को श्रीलंका के नाम से बुलाया जाने लगा। और आज भी श्रीलंका का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पब्लिक श्रीलंका है। आपको बता दें श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले लोगों को उनकी जनजाति या फिर उनके धर्म की वजह से नहीं पहचाना जाता, बल्कि लंका में रहने वाले हर शख्स को लंकाई या फिर श्रीलंकन कहकर ही बुलाया जाता है। और जैसा कि श्रीलंका का नक्शा भी आपने देखा होगा कि श्रीलंका दिखने में एक आंसू की बूंद की तरह लगता है, इसलिए श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका ही वो देश है जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ जो लोग LTT के सपोर्ट में थे उनके जरिए ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। हालांकि श्रीलंका की गिनती उन देशों में की जाती है जहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके थी। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका दक्षिण एशिया का वो हिस्सा है जहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग आपको पढ़े लिखे मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका का साक्षरता दर तकरीबन 91% से भी ज्यादा था, और यह आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं श्रीलंका के खान पान की बात की जाए तो श्रीलंका में रहने वाले ज्यादातर लोग खाने में चावल खाना जरूर पसंद करते हैं, और यहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना कड़ी चावल है जिसे वो दोपहर और रात दोनों वक्त में भी खाते हैं। वहीं यहाँ के संगीत को बेला संगीत कहा जाता है, जो वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ये बेला संगीत पर नृत्य भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के दांत का एक हिस्सा आज भी श्रीलंका के कैंडी में मौजूद है। दरअसल कैंडी के अंदर ये बहुत मशहूर मंदिर है जिसके अंदर ही गौतम बुद्ध के दांतों का अवशेष रखा गया है। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको क्रिकेट खेलने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, और यही वजह है कि जब भी श्रीलंका कोई क्रिकेट मैच खेलता है तो इनके सपोर्टर दुनिया के हर कोने में पहुंचकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि साल 2004 में हिंद महासागर में जो भूकंप आया था उससे श्रीलंका में इतनी खतरनाक सुनामी आई थी जिसकी वजह से श्रीलंका को इतना नुकसान हुआ जितना उसने अपने आज तक के इतिहास में नहीं झेला था। इस सुनामी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन श्रीलंका में रहने वाले तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके अलावा श्रीलंका की अजीब बात यह है कि श्रीलंका में एक फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जिसे कटारगामा परहरा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल में जितने भी पुरुष होते हैं वो अपनी जीभ और अपने शरीर के कई अंगों पर सुइयों से छेद करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनका प्रारंभिक तरीका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के रेडियो स्टेशन को सबसे पुराना रेडियो स्टेशन माना जाता है, क्योंकि जब साल 1920 में यूरोप के अंदर रेडियो की शुरुआत हुई थी तो उसके 3 साल बाद ही 1923 में श्रीलंका ने भी अपना रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि श्रीलंका के अंदर जिन भी लोगों का नाम सिंगली भाषा में रखा गया था उन सभी के नाम बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। अमूमन आपको सिंगली भाषा में रखे गए नाम कम से कम 5 शब्दों के अंदर मिलेंगे, और कुछ लोगों के नाम तो 8 शब्द या 10 शब्दों में भी रखे गए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि श्रीलंका के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा दालचीनी पाई जाती है जिसका इस्तेमाल अक्सर हर घर में किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले एक इंसान ने श्रीलंका के अंदर दालचीनी की खोज की थी, और आज भी इसका 90% हिस्सा भारत की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप कभी
कभी श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ आपको दिखने वाले नारियल का आकार इतना बड़ा दिखेगा कि इतना आपने कभी देखा नहीं होगा, और इसलिए श्रीलंका के नारियल को किंग कोकोनट के नाम से भी बुलाया जाता है। और अगर आप श्रीलंका घूमने फिरने के इरादे से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि श्रीलंका खूबसूरती के मामले में भी कई देशों से बेहतर है, और यही वजह है कि यूनेस्को ने भी श्रीलंका की कई जगह को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है। वहीं श्रीलंका देश के हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो पहले के मुकाबले आज श्रीलंका में मेडिकल सुविधा काफी हद तक सुधर गई है, और इसका अंदाजा हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि 20वीं सदी में श्रीलंका में मलेरिया से बीमार होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद साल 2016 तक श्रीलंका ने अपने देश को मलेरिया मुक्त कर दिया। और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी जैकलीन फर्नांडिस असल में श्रीलंका की ही रहने वाली है। इसके अलावा श्रीलंका की फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो श्रीलंका में भी लोगों को फिल्म देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और श्रीलंका में रहने वाले ज्यादातर लोगों को एक्शन फिल्में देखना ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये थे श्रीलंका से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में जानने के बाद आप श्रीलंका देश को काफी करीब से जान पाए होंगे, और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो श्रीलंका को खास बनाती हैं इसके बारे में भी हमने आपको वीडियो में बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी जानकारी पहुंच सके आप तक। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएं तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।